अब हम एक फाइनल कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन रहता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हाउ पहले हमने डिस्कस किया इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट और चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट जॉइंट वेंचर्स और जॉइंट ऑपरेशन अब इसका लास्ट पार्ट जो बनता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट तो लेट्स सी पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें ए बी लिमिटेड कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट यानी ये कंपनी जो मर्ज हुई हैं मतलब ए बी सी जो भी हैं हमने एक बना दी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट बिफोर डेप्रसीशन और फिर इसमें डेप्रिसिएशन है कॉरपोरेशन टैक्स है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ये प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनी जैसे भी आपके सामने है टैक्स रिलीफ ऑन लॉसेस uh, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस होते हैं ना बा लॉसेस हो जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्स में रिपेट दे देती है तो ये वो है यानी लॉस आपका वन सेवेंटी फाइव का था लेकिन गवर्नमेंट ने आपको फोर्टी की रिलीफ दे दी प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रपोज डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बॉ फॉरवर्ड एंड प्रॉफिट क्रैडिट फॉरवर्ड ये बेसिक एक स्टेटमेंट कंसॉलिटेड इसी तरह एक बैलेंस शीट का पोर्शन भी देखें आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं दोनों सालों के हमेशा याद रखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है नॉर्मली होती है समटाइम इनकम स्टेटमेंट ना भी हो तो डिटेल दे दी जाती है लेकिन बैलेंस शीट कंपैरेटिव होती ही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक सिंगल बैलेंस शीट है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनेगी तो फिर हम एज्यूम करेंगे कि पीछे बैलेंस जीरो था तो इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है स्टॉक्स है डेटर्स हैं बैंक बैलेंस हैं टोटल एसेट्स हैं अगेन ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है इसकी दूसरी साइड देखें लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं टैक्सेशन है डिविडेंट्स हैं डिवेंचर्स हैं टोटल लाइबिलिटीज इक्विटी शेयर कैपिटल है और फिर रिजर्व हैं रिजर्व में से ट्वेंटी सेवन की गुडविल राइट ऑफ की गई है क्योंकि ये नोट्स में जाकर देखिएगा उन्होंने कहा है कि जी गुडविल को राइट ऑफ कर दें तो राइट ऑफ जब भी गुडविल होगी वो अगेंस्ट रिजर्व होगी प्रॉफिट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इनकम स्टेटमेंट से आया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अलग से दिखा दिया और टोटल इक्विटी टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी यानी बैलेंस शीट को आप बनाकर देखें तो बराबर है अब ए बी एक्वायर्ड मेजोरिटी शेयर जे लिमिटेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी नेट एसेट्स आपने जो एक सब्सिडरी खरीदी है तो उसके नेट एसेट्स ये हैं अब इसमें एक पॉइंट है जो नोट करना चाहिए आपको वो ये है कि जब हम मैच करते हैं ना पिछले और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जो होते हैं तो उसके डिफरेंस को हम अकाउंट फार कर रहे होते हैं कि उसमें से कैश इनफ्लो हुआ या कैश आउटफ्लो हुआ केस में क्या है कंसोलिडेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में ये है कि जो एसेट्स आप उनके इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना सब्सिडरी के वो तो आपने नहीं खरीदे आपने तो इन्वेस्टमेंट्स की है इन्वेस्टमेंट में जो पैसा दिया है वो आपका आउटफ्लो है लेकिन ये जो एसेट्स आप लेकर आ रहे हैं बैलेंस शीट में वो आपने एज सच नहीं ख़रीदे यानी उसकी वजह से कैश फ्लो में इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो ये थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है इसमें अच्छा जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो ऑफ कोर्स आप उसको कंसीडर ज़रूर करेंगे कि ये पैसा हमारे पास आया क्रेडिटर्स हैं और नेट एसेट्स हैं एंड ऑफ दिस ट्वेंटी फोर वॉज एट्रीब्यूटेड टू एन ये भी बता दिया उसने कि इसमें से न, जो एन का है वो कितना है द परचेज कंसिडरेशन इज टू हंड्रेड थाउजेंड वॉज डिस्चार्ज बाई इशू ऑफ वन फिफ्टी थाउजेंड एट पार एंड द पेमेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड इन कैश यानी आपने जब उसके शेयर ख़रीदे हैं तो आपने दो लाख की कंसडेशन के अगेंस्ट हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड के तो शेयर इशू कर दिए और बाकी जो पचास हज़ार आपने कैश दिया है ये ऑबियसली आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो दिखाएँगे आप क्योंकि ये तो पैसे ग्रुप ने बाहर दिए इसलिए ये आउटफ्लो में आएंगे दिनल डिवेंचर वर इशूड ऑन फर्स्ट फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी अभी जो डिवेंचर इशू किए हैं इस पर क्वेश्चन ये है कि अगर उस पर कोई मार्कअप का रेट है तो आपको इंटरेस्ट भी इस पर पे किया होगा आपने इंटरेस्ट भी चार्ज किया होगा तो हमने प्रिपेयर करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट तो परचेस कंसिड्रेशन देखे मैंने यहाँ साथ ही बना दी है ताकि आपको समझ में आ जाए टू हंड्रेड थाउजेंड और माइनस वन नाइन्टी सेवन माइनस ट्वेंटी फोर जो एन का है तो बैलेंस आपके पास गुडविल बन गई ट्वेंटी सेवन थाउजेंड की और वो राइट ऑफ भी हमने कर दी है रिजर्व के अगेंस्ट बैलेंस शीट में थैंक यू वेरी मच